लाइव आ गए। सबसे प्यारे सबसे छोटे श्री राधा रमण लाल की जय। भैया देखिए, जब आपके पास टाइम नहीं होता ना वृंदावन आप आते हो और जल्दी जल्दी में आते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अरे मैया राधे राधे, अरे राधा वो स्वामी कहते हैं और शास्त्रों में वर्णन है, अगर आपके पास समय नहीं है सब मंदिरों में जाकर दर्शन करने के लिए, आप सिर्फ एक हमारे प्राण प्रियतम श्री राधा रमण लाल जी के दर्शन कर लेना, क्योंकि इन्हीं के दर्शन में आपको राधा गोविंद देव जी के, राधा मदन मोहन जी के और राधा गोपीनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। मेरा गला आज इतना खराब हो रहा है, लेकिन मेरे संग मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, ब्रिज के हैं, श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी की जय। परम शिष्य है, मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि प्यारा सपद ब्रिज भाषा में हम सबको सुनाएं। कितने प्यारे कितने सुंदर हैं, आइए। श्रीमती राधा रानी के चरणों में श्री राधा का सुधा निधि में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने प्रार्थना की है। यत किं करी शुभमुषा खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौलि तस्या कदा रसनिधेर शुभानुजाया सत्केले कुञ्जभवनाङ्गनमार्जनी श्यामा जिनकी दासियों की चाटुकारिता व परम पुरुष द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जिनकी दासियों की चाटुकारिता करता है वह रस की निधि, वह श्री स्वामिनी, वह श्रीमती राधा रानी मुझ पर कब कृपा करेंगे। आप श्री राधा रमन लाल जी के आगे खड़े और वह स्वामिनी सब पे कृपा करे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव सब पे कृपा करे, बिना गुरु के श्री जी को पाना असंभव है, तो गुरु मंजरी कृपा करे तो गुण मंजरी कृपा करेंगे और स्वामिनी मर जाएंगे। जय श्री राधा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा के बिना व्यक्ति तो चल भी नहीं सकता भक्ति में, तो ठाकुर जी को कैसे अपनाएंगे हम। इट्स इम्पॉसिबल, एज माय डियर फ्रेंड सेड, विदाउट द मर्सी ऑफ गुरु नो वन कैन अटेन श्री कृष्णा। कहा जाता है हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा है, मुखम करोति वाचालम, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए मुकम करोति वाचालम। एक जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लग जाता है, एक बहरा व्यक्ति है वो सुनने लग जाता है, एक लंगड़ा व्यक्ति है वो
राधे राधे। ठीक है भूतं करोति वाचालं पंगु लंघयति पंगु लंघयति गिरिं यत् कृपा तम अहम वंदे श्री गुरु कुलतारिणः। कि एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को क्या कर देता है, लांग देता है जब उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। धन्यवाद मेरे मित्र, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आशीर्वाद मिल रहा है। श्री राधर मठ के आप भी है, हम भी है, गुरुदेव आपके भी प्रिय है, हमारा भी सब कुछ है। जय हो, जय हो, जय राधो, जय हो। चलिए ये जो पल है, ये जो मौका है, मेरे को तो मिला है 9 महीने बाद, और मैं देख रहा हूँ करोड़ों लोग यहाँ पर आने के लिए तड़प रहे हैं। देयर आर करोड्स ऑफ पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड हु आर डाइंग टू कम एंड टेक दर्शन ऑफ श्री राधारमण लाल जी। आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द डोर स्टेप्स ऑफ श्री राधारमण जी। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा। अंदर के दर्शन, गर्भगृह के दर्शन अलाउड नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँगा, राधारमण जी के मंदिर की परिक्रमा करके, दर्शन करके अंदर आपको बताऊंगा बाहर आकर कि राधारमण लाल जी ने किस कलर की ड्रेस पहनी है, और आपको बताऊंगा कि राधारमण जी को खाने में क्या पसंद है। श्री राधारमण लाल जी की रसोई के बारे में आपको बताऊंगा। राधारमण लाल जी किस प्रकार प्रकट होते हैं वो आपको बताऊंगा। राधारमण लाल जी की जो कुलिया प्रसाद है उसकी महिमा मैं आपको बताऊंगा। और याद रखिएगा राधारमण जी स्वयंभू है, नो वन हैज मेड श्री राधारमण लाल जी। लेट्स स्टार्ट दिस वन ऑफ अ काइंड वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ जर्नी। मेरी आवाज ठीक नहीं है, अंदर चलते हैं। राधारमण लाल की जय। हाँ जी, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो कीर्तन करते हुए हम मंदिर के अंदर चलेंगे। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट, आई एम अबाउट टू टेक दर्शन ऑफ श्री राधा रमण लाल जी, एंड इट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 9 months। आई हैव बीन डेस्परेटली वेटिंग टू टेक हिज दर्शन ऑन ऑल ऑफ योर बिहाफ। आई एम गोइंग टू पे ओबेसेंस टू श्री राधा रमण लाल जी। ऑलराइट, तो आपको क्या होगा, मंदिर के अंदर आप सब तो जानते ही हैं, राधा रमण लाल जी के मंदिर तो सब भक्त आए हैं। श्री राधा रमण लाल जी के ये दर्शन हैं, द मोस्ट क्यूटेस्ट, द मोस्ट एडोरेबल, द मोस्ट स्वीटेस्ट डीटी ऑफ श्री वृंदावन धाम, श्री राधा रमण लाल जी। ही स्वयंभू, नो वन हैज मेड हिम, स्वयं प्रकट हुए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की प्रार्थनाओं के कारण। सो दीज आर द दिस इज श्री राधा रमण लाल जी इन साइड। Just look at his eyes. Out of words right now. Jai Jai Shri Gopal Bhatt Pran Dhanish Gaur Hoilo Shri Radha Raman. हाँ जी प्रभु जी, श्री राधा रमण लाल की जय जय। तो प्रभु जी, ये जो गोमुखी है, जो बीट बैग है, जपमाला है, भक्तों को लेनी हो तो ये क्या राशि है इसकी, कितने की है ये? वैसे तो 100 rupees की राशि है। अच्छा, अच्छा अच्छा कंठी मालाएं भी आपके पास हैं? कंठी माला भी है, प्योर तुलसी की माला है अपने पास। थैंक यू सो मच। सो एज सून एज यू एंटर इनसाइड द टेंपल, यू कैन टेक बीड बैग्स ऑफ श्री राधारमण लाल जी, यू कैन टेक वंडरफुल फोटोग्राफ्स ऑफ श्री राधारमण लाल जी। नाउ वी आर एंटरिंग, दिस इज जस्ट द एंट्रेंस। यहाँ पर बिल्कुल अंदर ही बैठे हुए हैं श्री राधारमण लाल जी। एक मिनट रुको, हमारे गोस्वामी जी भी मेरे को मिल गए हैं। इधर आइए। गोस्वामी जी आगे, छुप रहे हैं। बहुत शर्मीले हैं हमारे गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, छोटा सा एक निवेदन है आपसे, नेक सभी को क्या करो, आशीर्वाद दो, और सबको क्या करो, यहाँ पर राधारमण लाल जी के दर्शन के लिए बुलाओ, और ब्रिज बोली में होना चाहिए, ब्रिज भाषा में। हाँ जी, आहा, जय हो राधे राधे।
ओ हो श्री राधा रमन लाल की जय। ये भी बहुत प्रिय भक्त हैं श्री राधा रमन लाल जी के। जय जय, लाइव चल रहा है माता जी। जय जय। सो श्री राधा रमन लाल जी इज सिटिंग राइट इनसाइड। आई एम गोइंग टू गो इनसाइड एंड टेक दर्शन ऑन योर बिहाफ। अंदर जाते हुए थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, सब मिलकर कीर्तन करेंगे। लो प्रभु जी। छीन ले हंसके सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। जाके जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमण। जाके जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमण। जाकी जादू डॉक्टर लाइट है ना, जाकी जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमण। श्री राधा रमण लाल जी के दर्शन जो एक बार कर लेता है, उनकी आंखों में ऐसा जादू है, जाकी जादू भरी दो नयन, सखीरे मेरो राधा रमन। राधा रमन लाल जी अगर आपने एक बार देख ली है, आपका चित, आपका हृदय, आपका मन को ऐसा छीन लेंगे, आप किसी और के हो नहीं पाएंगे। ही सो एडोरेबल, ही सो क्यूट, ही सो क्यूट। सबसे छोटे से है ना, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे दुलारा होता है। राधा रमन लाल जी इज द डार्लिंग ऑफ श्री वृंदावन धाम। वो जाके जादू, वो जाके जादू, वो जाके जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमन। जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी ताली बजाकर एंड यू कैन हिट दोज हार्ट। श्री राधा रमन लाल जी की जय। आप कमेंट करें और मेरे संग गाइए। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ये कीर्तन मैं श्री राधा रमन लाल जी के बिल्कुल पीछे खड़े होकर परिक्रमा मार्ग में कर रहा हूँ, तो आप प्लीज ताली बजा कर मेरे संग गाइएगा। जय जय राधा रमन, लेकिन फिर भी राधा रमन लाल जी की कृपा तो चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे प्रभु। वो जिस देश में, जिस भेष में, आवेश में रहो, राधा सम्मान करे या कोई आपका अपमान करे, लेकिन फिर भी कभी भी राधा रमन लाल जी का नाम लेना आप बंद मत करना। जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, बढ़ते हैं। अब मैं दर्शन करने जा रहा हूँ श्री राधा रमन लाल जी के, ठीक है। दर्शन करके, परिक्रमा करके बाहर आऊंगा और उसके बाद आपको किस प्रकार राधा रमन जी प्रकट हुए थे, राधा रमन जी की महिमा, राधा रमन जी की लीला, राधा रमन जी के रसोई के बारे में, राधा रमन जी के कुलिया प्रसाद के बारे में, ऐसी ऐसी रोचक बातें बताऊंगा शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। यस, दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास इन श्री राधा रमन मंदिर। वेरी 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 स्ट्रिक्ट रूल आर ओवर हियर। आप बंद करो ना, चलो गेट मास्क इज वेरी कंपल्सरी। हमारे बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। राधा रमन जी और कुछ आओ जाओ करो करो करता करो माता।
अलाउड कहाँ जा रही हो? आपने सोचा बंदर का हाथ आ गया? गेट के अंदर नहीं जाना है। हाँ, बाहर तक जो भी मन में आए वो करो। माता देखती है ना, हाँ।
After 9 months, श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन हो गए. ज़्यादा बोल नहीं सकते यहाँ पर, छोटे हैं ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे. लेकिन 9 महीने बाद राधा रमन लाल जी के दर्शन हुए हैं अभी. हे प्रभु, सो क्यूट, ही इज वेयरिंग, आई थिंक ही वाज, पता नहीं प्रभु, मतलब ध्यान इतना खो गया. आई थिंक ही इज वेयरिंग पर्पल ड्रेस. और सुंदर ऐसा वातावरण है अंदर, सुंदर सुंदर वीणा चल रहा है, और यू नो देयर बहुत मधुर मधुर भजन चल रहे हैं. और राधा रमन लाल जी क्या कर रहे हैं वहाँ पर, सभी सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं. आइए सभी भक्तों को दर्शन कर लो. सभी को सुन रहे हैं, 3 कदम पे हैं. मैं चाहूंगा, बड़े अच्छे भजन गाते हो आप सब, मैं जानता हूं. मैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करूंगा, सभी से एक भजन आपने गाना है, 2 लाइन, ठीक है? भजन रिपीट नहीं होना चाहिए. आर यू रेडी? रेडी हो? पक्का? जिसको मैं इशारा करूंगा उसको तुरंत शुरू कर देना है, ठीक है जी?
Krishna, 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 Krishna.
राधा रमन जी अब विश्राम कर रहे हैं, पधारो। हरि बोल। जय श्री राधा रमन लाल की जय। ये हैं इस्कॉन कैथल के भक्त। हैप दोस हार्ट गाइस, कमेंट एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड फॉर दिस वंडरफुल डिवोटीज। एक बार थोड़ा हल्का सा हरि बोल करेंगे, तीन बार। इस्कॉन कैथल के भक्तों के लिए और श्रील प्रभुपाद जी का करिश्मा है, पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। ब्रिज में खड़े होकर श्री राधारमण लाल जी के चरणों में उपस्थित होकर प्रणाम कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब की कृष्ण भक्ति क्या है, बड़े हम नियमों का पालन कर सकें, संतों का गुरुजनों का अपने गुरु महाराज जी की शिक्षा का पालन कर सकें, कभी भी हम नाम अपराध ना करें, वैष्णवों के प्रति हमसे अपराध ना हो। वृंदावन में बार बार श्री राधारमण लाल जी किशोरी जी हमें बुलाए, ऐसी प्रार्थना श्री राधारमण लाल जी के चरणों में है। तीन बार हरि बोल, स्पेशली उन सब भक्तों के लिए जो अब तक आ नहीं पाए दर्शन करने के लिए। तरस रहे हैं करोड़ों भक्त यहाँ पर आने के लिए, बहुत सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। खड़े भी हुए, राधारमण लाल जी ने हमसे कीर्तन भी करवा लिया। तीन बार हरि बोल।
राधा रमन लाल जी के पास आने का क्या क्या भावनाएं होती हैं, यू नो व्हाट यू गो थ्रू दिस अमेजिंग ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस ऑफ श्री राधा रमन लाल जी। मैं आपको कुछ बता तो पाई नहीं राधा रमन जी के बारे में, तो बताइए मेरे को, कमेंट करके बताइएगा कि आप राधा रमन जी के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं आपको और सुनाऊँगा। हमारे बीच में एक सखी है, ऑल राइट, सो आई थिंक नाउ द वॉइस इज़ बेटर। मैं ये कह रहा था अब मैं आपको मिलाऊंगा एक प्यारी सी सखी से, एक प्यारी सी लाली से, जो राधा रमण जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में रहती है। आशीष गोस्वामी जी की वो पुत्री हैं और बहुत ही प्यारी हैं, राधा रमण लाल जी की बड़ी प्रिय है। आई विल रिक्वेस्ट हर टू सिंग सम नाइस मंगलाचरण फॉर दी प्लेजर ऑफ राधा रमण जी, और आप क्या कर सकते हैं ध्यान से सुन सकते हैं। शी इज अ ब्रिजवासी, ऑल राइट, सो लेट्स हियर फ्रॉम हर, कम। आई रिक्वेस्ट यू, सो देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज हु आर लिसनिंग टू यू, पर आप देखो पहले मंदिर दिखाइएगा। शो द टेंपल, दिस इज राधा रमण मंदिर एंड दिस इज हनीज। थोड़ा दूर होके जाके दिखा दो आवाज, नहीं बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी लकड़ी है और दूर हो जाए, है ना, मतलब तो ये मतलब डेली देखता हूँ तो भी ऐसा इतना सुहाग की सूरत नहीं है, तो दिस इज हाउस। ओके नाउ कम क्लोज, एक प्यारा सा मंगलाचरण, ओके, राधा रमण जी। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले, जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत तानन आडले, जय बंक नयनन मधुर भयनन मंद Thank you.
जय श्री ब्रजवासिन की जय हो, हनी गोस्वामी की जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर श्री राधा रमण लाल जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, गोस्वामियों की आपके ऊपर असीम कृपा है, आपके माता पिता की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। यू आर सुपर ब्लेस्ड हनी गोस्वामी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल मंगलाचरण, दिस वंडरफुल भजन। वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड, प्लीज टैप दोज हार्ट्स फॉर हनी गोस्वामी। एंड इफ यू वॉन्ट मीट हनी, यू कैन कम टू राधा रमन लाल जी मंदिर एंड यू कैन आस्क फॉर हर। एक बार मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और उसके बाद मैं आपको राधा रमन जी के बारे में कई सारी रोचक कथाएँ और लीलाएँ सुनाऊँगा। इसी क्यों में गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 जय श्री राधे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। गोपाल भट्ट प्राणगण गौर होइलो राधा। थैंक यू मिली, थैंक यू सो मच टू बी, हरे कृष्णा, थैंक यू, इट वाज सो लवली, राधा रमन जी हमारे उतार। हां राधा रमन जी के बारे में बताऊंगा, टेंपल के बाहर मैं तो वहां जा रहा हूं, प्रकट स्थली पे समाधि। हां समाधि मंदिर, हाँ समाधि मंदिर, समाधि मंदिर खुले बंद हो गया है, समाधि बंद है, आप पीछे अभी तो खुला है, अभी खुला है समाधि, खुली है, हाँ अभी तो खुली है। मैं यहाँ पर बैठ के बोल सकता हूँ आराम से, ना थोड़ा बोल मालूम नहीं सकता। हाँ हाँ ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, अरे बड़ी कृपा हो गई है, सुना बड़े प्यारे गाने, क्या आज रौनक बेड़े बेड़े तेरे करके मीन्स अच्छा लग रहा है, आप नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ भी हम खड़े हैं। अरे मां जितनी कृपा, अरे मैया मेरे पैर में वैसी चोट लगी हुई है। आप मेरे को एक बात बताइए, इधर आओ, कौन से संस्कृति में कौन से कल्चर में कौन से देश में आपको आप लोग देखेंगे जो नीचे झुक जाते हैं, है जमीन पर प्रणाम करने लग जाते हैं। यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर, नाइदर इन अमेरिका लंदन रशिया, ये हमारी भारत की संस्कृति है। ऐसे संस्कृति ऐसे संस्कार सिर्फ हमारे भारत में, खासकर धाम में जब आप जाते हो तब त्रिनादपि सुनिचिना तरोरपि सुनिचिना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी, ऐसा भाव होता है कि तृण से भी घास से भी हम क्या हो जाए, पतित हो जाए। घास के ऊपर जब कोई चलता है ना तो घास क्या हो जाती है, झुक जाती है। जब कोई चलकर आगे निकल जाता है तो घास फिर से उठ जाती है। तो सनातन संस्कृति ऐसी है कि बड़ों के सामने भक्तों के सामने हमेशा झुके रहें, हमेशा विनम्र होकर रहें, फिर क्या होती है बड़ी कृपा बरसती है। माता जी कितनी उम्र में बड़ी हैं, कितनी उम्र में बड़ी हैं, भक्ति में बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, और मैया प्रणाम कर रही हैं। आई मीन आप भी धन्य हो, जय जय मैया, जय हो ये देखो ये ब्रजवासी की कैसे भाग रहे, मेरा कैमरा मैंने डर के मारे। ये सबसे प्यारे ब्रजवासी, इनको एक चीज बड़ी पसंद है ब्रज में, पता है ना, कजरारे कजरारे नैना चश्मे ध्यान से, इनको इनको पेड़े खिला दो, इनको पिज्जा खिला दो, इनको पास्ता खिला दो, जो मर्जी खिला दो, कुछ नहीं करेंगे ये। चश्मा गया, बटवा गया, वॉलेट गया, एक फ्रूटी पिला दो। ब्रज के संत है ये भी संत है। राधे राधे वो देख राधे राधे बोल दिया, जय श्री राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरि बोल।
सब कहाँ से है? अरे वो मुंबई से है। मुंबई देखते हैं वीडियोस आपके। मुंबई गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जय पता है स्वामी महाराज जय। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस भक्ति चरु स्वामी महाराज की जय। भक्ति विकास स्वामी महाराज जय। हिज होलीनेस इंद्रदुम्न महाराज की जय। हिज बीबी गोविंद स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज की जय। चंद्रमौली स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज की जय। सभी संतों की जय। गुरुजनों की जय। हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय। गोविंद माता पिता जिनके कारण मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। एंड हिज ग्रेस गौरांग प्रभु की जय। हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु की जय। हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु की जय। हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु की जय। हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु की जय। जो पार्टी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। This is इधर आओ सारे आओ। लुक ओवर देने का कैमरा। यस प्रभु जी बताएंगे। दिस इज द मैजिक ऑफ श्रीला प्रभुपाद। थोड़ा पास में आ जाएंगे। ये है मैजिक प्रभुपाद जी का। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, ये मुंबई से हैं, कभी हम मिले नहीं हैं। मुझे मराठी में कुछ बोलो ना थोड़ा सा। कौन बोलेगा मराठी में? मराठी में सबको बोलिएगा कि कृष्ण भक्ति को अपनाइए, इससे अच्छा संसार में जीवन में कुछ नहीं है। मराठी में बोलो। कौन बोलेगा? मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी का करिश्मा है। द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। पूरे दुनिया से, पूरे संसार से लोग इकट्ठे होते हैं, साथ में रहते हैं। कोई किस जाति का है, कोई किस रंग का है, कोई किस देश का है, सब एक ही मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण। जो भी खाते हैं भोग लगा के खाते हैं, महाप्रसाद प्रसाद खाते हैं, एक साथ रहते हैं। नो डिफ्रेंशिएशन यू नो बिटवीन कलर कास्ट क्रीड कल्चर नो रेस। मराठी में कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। आपने बोलना है कि कृष्ण भक्ति को जल्दी से जल्दी अपनाइएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। कृष्ण भक्ति सारखं या जगामध्ये पूर्ण विश्वामध्ये कुठलाही मार्ग नाही, कुठलाही मार्ग नाही, कुठलाही मार्ग नाही। कृष्ण भक्ति ही सगळ्यात सोपी आणि सर्वात लवकर रिझल्ट देणारी या कलियुगातली जी साधना आहे ती भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी सांगितलंय। त्याचा सर्वांनी अवलंब करा, त्यांचा त्याचा आदर करा आणि त्याचा स्वीकार करा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। प्रवीण चिन्ह, अगर मेरे को मराठी में बोलना है कि बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मराठी में कैसे बोलेंगे? खूब छान, खूब छान बोला तुम्हें, खूब छान बोला तुम्हें, खूब छान बोला तुम्हें। प्रवीण प्रभु यस पावर ऑफ श्रील प्रभुपाद। परम पूज्य साक्षी को पाए प्रभु जी, जय हो भैया, जय हो। आप तो हमारी हरियाणा की है। हरे कृष्ण। कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप, मैं ये सेशन बंद कर दूं या आप राधा रमन जी के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ ऐसी बातें फटाफट अगली 5 मिनट में बता दूंगा। 5 मिनट बाद मैं सेशन बंद कर दूंगा। कमेंट करके बताओ इफ यू वांट टू लिसन टू सम ग्लोरीज ऑफ राधा रमन।
रामलाल जी के दर्शन अंदर होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल स्थान है जहाँ पर राधा रमन जी प्रकट हुए थे। ठीक है जी, आइए सबको दर्शन मिल रहे हैं। तो हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आप मेरे पीछे दर्शन कर सकते हैं वो उस एग्जैक्ट स्थान के जहाँ पर श्री राधा रमन लाल जी प्रकट भए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं जो षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये दक्षिण भारत में रहते थे, साउथ इंडिया में। और जब चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के समय दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो चार महीने के लिए संत जो हैं वो एक ही स्थान पर निवास करते हैं। महाप्रभु वेंकट भट्ट आचार्य के घर पर विश्राम करे चार महीने के लिए, उनके ही पुत्र हैं जिनका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब छोटे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने बचपन से ही महाप्रभु की क्या कर ली, सेवा करी। वो महाप्रभु की गोदी में खेलते थे, महाप्रभु को अपने हाथ से उनके चरण दबाते थे, महाप्रभु अपने हाथ से उनको भोजन कराते थे, प्रसाद खिलाते थे छोटे से जब गोपाल भट्ट जी थे। चतुर्मास खत्म हुआ, महाप्रभु जाने लग गए, गोपाल भट्ट से रहा नहीं गया, वो छोटा सा गोपाल था उस टाइम, तो भट्ट गोस्वामी नहीं बने थे। गोपाल ने बड़ा रोका महाप्रभु कि आप मत जाइए, आप मत जाइए, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा अभी सही समय नहीं है, जब आपकी माता पिता नित्य लीला में प्रवेश कर जाएं तब आप वृंदावन आना। तो ऐसा कहकर महाप्रभु चले गए। कुछ समय बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो माता पिता हैं उनका क्या हो गया, गोलोक में प्रवेश कर गए वो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ गए, दक्षिण भारत से यहाँ पर श्री वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन धाम जब आए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और सभी गोस्वामियों को जब ये पता लगा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल आए हैं, चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु के बड़े प्रिय शिष्य, इतने प्रिय थे गौरंग महाप्रभु को गोपाल भट्ट गोस्वामी कि महाप्रभु ने अपनी पुत्री, अपनी चादर, अपनी टेक जिसके ऊपर वो बैठते थे और साथ साथ अपना कोपिन भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भेजा वृंदावन। अब ये स्थान, इसको कहते हैं ढोल। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास थे 11 शालग्राम शिला, 12 शालग्राम शिला थे, और जो 12वें शालग्राम शिला से राधा रमन जी के जो आप दर्शन करते हो वो 12वें शालग्राम शिला से प्रकट हुए, जिसको कहते हैं दामोदर शिला। लीला ऐसी है कि एक सेठ आया था और वो राधा गोविंद देव जी के मंदिर, राधा गोपीनाथ जी के मंदिर, राधा श्याम सुंदर के मंदिर जा रहा था और सभी पुजारियों को उनके ठाकुर जी के लिए क्या दे रहे थे, वो वस्त्र दे रहे थे, आभूषण दे रहे थे उनका श्रृंगार करने के लिए। जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कैसे श्रृंगार करूँगा अपने ठाकुर जी का, मेरे ठाकुर जी तो गोलगप्पे की तरह गोल गोल हैं। राधा रमन जी जो है वो शालग्राम में जब थे दामोदर शिला में, गोल गोल होता है, उनके कोई कान नहीं, उनके कोई नाक नहीं, उनके कोई आँख नहीं, तो थोड़े से मायूस हुए। अगले दिन सुबह यमुना जी के पास, यमुना जी तट में गए स्नान करने के लिए, उनके मन में एक ऐसी भावना है कि हे राधा रमन लाल जी, आपकी भी आँखें हों, आपके भी कान हों, मैं आपका श्रृंगार कर पाऊँ, मैं आपको भोग पा पाऊँ। तो ऐसी प्रार्थना जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने करी, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी था, नोट दिस पॉइंट डाउन, इट वॉज नरसिंह चतुर्दशी दैट डे, दामोदर शिला से स्वयं प्रकट भए श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी इज नॉट मेड बाय एनीवन, नो वन हैज कार्व्ड राधा रमन जी, ही स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं। वृंदावन के सबसे छोटे, सबसे प्यारे, सबसे नोने, सबसे दुलारे राधा रमन जी बड़े छोटे से हैं, बाकी आप देखो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्याम सुंदर बड़े हैं। राधा रमन जी की जो रसोई है,
इसको थोड़ा मैं यहाँ रख देता हूँ, वरना तो मेरा हाथ ही आज था। श्री राधा रमन लाल जी की रसोई वो बहुत ही स्पेशल है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन जी की रसोई है वो मंत्रों के उच्चारण से बनाई थी। जो अग्नि उसमें जो जल रही है, मंत्र का उच्चारण करके उस अग्नि को स्टार्ट करा। राधा रमन जी की रसोई में कोई माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता, उसी अग्नि से सारे भोग बनते हैं गोस्वामी जी, उसी अग्नि से सारे भोग बनते हैं, उसी अग्नि से सारी पूजा का सामग्री है ना, जो भी ज्योत जलानी होती है सब उससे होता है। राधा रमन लाल जी की रसोई में आलू नहीं आता है, गाजर नहीं आता है ना, और हींग नहीं आती है। कई ऐसी सारी वस्तुएं हैं जो राधा रमन लाल जी की रसोई में नहीं आता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे राधा रमन जी की जो रसोई का जो सेवा का स्टैंडर्ड है मंदिर का, वो दुनिया में सबसे टॉप का है। राधा रमन जी के मंदिर की जो सेवा का स्टैंडर्ड है, राधा रमन जी के बारे में आपको क्या बताऊँ। मैं कह चुका हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है और वृंदावन में आपको सारे मंदिरों को दर्शन करने हैं लेकिन टाइम कम है, आप सिर्फ राधा रमन जी के दर्शन कर लीजिएगा। क्योंकि राधा रमन जी में राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन और राधा गोपीनाथ तीनों उनके अंदर समाये हुए हैं। सारे विग्रह राधा रमन जी में समाये हुए हैं। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अभी यहाँ पर इस लाइव सेशन को बंद कर रहा हूँ। वी ऑल आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू टेक दर्शन ऑफ द ओरिजिनल प्लेस ऑफ दी, यू कुड से दी बर्थ प्लेस, दी इनकर्नेशन प्लेस ऑफ श्री राधा रमन लाल जी की जय। मैं प्रार्थना करता हूँ राधा रमन। कई बार कुछ भक्त पूछते हैं कि ठाकुर जी के साथ राधा रानी तो खड़ी नहीं हुई है, राधा रानी कहाँ पर है? राधा रमन का अर्थ होता है जो नित्य रूप से राधा में ही रमण करता हो। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी के बारे में इतना सोचते हैं कि किशोरी जी और राधा और ठाकुर जी एक साथ हो जाते हैं, एक आ जाते हैं। और वैसे भी गोपाल भट्ट प्राणधन गौर होइलो राधा रमन, जब महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त कर दी थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी से रहा नहीं गया, बहुत रोते थे, तो महाप्रभु उनके सपने में आए, उनसे कहा अरे राधा रमन तो स्वयं मैं ही हूँ, राधा और कृष्ण एक हो जाएं वो बन जाते हैं गौरंग महाप्रभु। तो राधा रमन जी का मतलब है राधा रानी और कृष्ण एक साथ हो गए हैं, इसलिए उनका नाम है राधा रमन लाल की जय। चलिए तो मैं निवेदन करूँगा, गोस्वामी जी हमारे बीच में हैं और गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम से, आहा ये लो जी आप कर दो उसका फ्रंट कैमरा कर लीजिए, गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा करी है हमारे लिए। एक तो पुलिया प्रसाद लाए हैं, राधा रमन जी का पुलिया प्रसाद खाया कभी? पुलिया, ये जो पुलिया प्रसाद होती है इसको लेने के लिए बहुत तड़प जाते हैं। ऐसे कहा जाता है अगर आपको राधा रमन जी का पुलिया का प्रसाद अगर आपको मिल जाए तो आपको राधा रमन जी का मुँह का लगा हुआ अर्धामृत मिल जाएगा। धन्यवाद गोस्वामी जी, ये कुलिया जो है ये आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी, इसको अमृत केली भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और राधा रमन लाल जी का टीका जो आपने देखा है ना, जो तिलक जो होता है, दैट इज एक्स्ट्रा स्पेशल। स्वामी जी को जय श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्ण साल से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो अग्नि प्रज्वलित करी थी मंत्र से, आज भी वो अग्नि जल रही है, ये उसी का क्या है, रेमिनेंट्स है जो अभी गोस्वामी जी ने मेरे को दिया। हाँ जी हाँ जी, हमने कल ही देखा था।